नमस्कार दोस्तों, डीके थ्योरी होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं चैनल पर नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइंस आपके लिए लाते रहता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक बढ़िया सा प्लान लाया हूँ। बहुत ही कम जगह में हमने यह प्लान बनाया है। 990 स्क्वायर फुट में यह पूरा प्लान बिठाया है हमने। 990 स्क्वायर फुट में बहुत ही कम जगह में यह प्लान एडजस्ट किया है और 3 बेडरूम्स बिठाई है, मतलब 3 बेडरूम्स बैठे हैं, तो बहुत ही कम जगह में एडजस्ट किया है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, प्लान को पूरा डिटेल में समझ लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर करने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से, इस प्लान से उनको कुछ आइडियाज आए या कुछ जानकारी मिले, या हो सकता है ये प्लान किसी के प्लॉट पर परफेक्ट बैठे। तो प्लीज़ किसी और के लिए वीडियो जो है आप शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर प्लॉट प्लान की तरफ बढ़ने से पहले, यहाँ पर आप स्क्रीन पर जो है हमारे ऑफिस के नंबर देख रहे हैं। अगर आपको भी प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप इन नंबर पर आपका प्लॉट का डिटेल और आपके रिक्वायरमेंट हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन हम जो भी सर्विस देते हैं उसके नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस जो है आपको पे करना पड़ते हैं। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया सा प्लान है। 33 फीट बाय 30 फीट का पूरा प्लॉट का एरिया है, 990 स्क्वायर फुट का, 990 स्क्वायर फुट का। तो इसमें 3 बेडरूम्स हमने बिठाए, ठीक है। ये रोड है, एक ही रोड हमने बताया है, बाकी ये तीनों साइड है, तीनों साइड में दूसरों के प्लॉट्स है। लेकिन देखिए आप, इस साइड में हमने 3 फीट की ऑफसेट छोड़ा गया है वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ पर आप देखिए वॉश एरिया के लिए भी 3 फीट का ऑफसेट छोड़ा गया है यहाँ से यहाँ तक, और पीछे के साइड में 2 फीट का ऑफसेट छोड़ा गया है यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा वेंटिलेशन के हिसाब से हमने छोड़ा है ताकि वेंटिलेशन की कोई भी दिक्कत ना हो। एक ही रोड है, अगर आपके प्लॉट में और भी रोड है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, और ना भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं, एक रोड के हिसाब से पूरा प्लान हमने बनाया है। तो देखिए, ये जो है इस रोड है, रोड से हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे हमारा मेन गेट है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। तो आप यहाँ पे भी एक यहाँ पे मेन गेट लगा सकते हैं या तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप मेन गेट लगाएंगे तो एक फ़ायदा हो सकता है, आपकी जो बाइक वगैरह पार्किंग इस स्टेयरकेस के नीचे डायरेक्टली चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे बताया है, लेकिन आप अगर मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लगा दीजिए गेट। क्या है कि ये स्टेयर जो है हमारी इस वरंडे से स्टार्ट होती है और ऊपर उठती है, तो इसके नीचे की पूरा जो पोर्शन है हमें यूज़ करने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारी बाइक वगैरह पार्क हो सकती है स्टेयर के इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेन गेट रहेगा, हम यहाँ से एंट्री करेंगे, बाइक वगैरह पार्क करेंगे, उसके बाद में ये स्टेप चढ़ के इस वरंडे पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। इस पीछे साइड में भी जा सकते हैं, ये पूरी जगह हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे इस बेडरूम से भी एक डोर दिया है, इस बेडरूम से भी हम ये जगह यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुंच जाएंगे, यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है और हम यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, मतलब इस स्लैब पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इसके नीचे की जो जगह है हम बाइक के वगैरह पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में एंट्री करेंगे लिविंग रूम में, 14 फीट बाय 10 फीट का इस लिविंग रूम का साइज़ है, 14 फीट बाय 10 फीट का काफ़ी बढ़िया साइज़ है प्लॉट के साइज़ के हिसाब से और रूम्स के हिसाब से। और 2 विंडोज़ बताए गए हैं, तो वेंटिलेशन तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। उसके बाद में इस साइड में आते हैं, यहाँ पे हमारा किचन है, और यहाँ पर इस साइड में जाएंगे तो टॉयलेट बाथरूम है। तो पहले किचन समझ लेते हैं। देखिए, 11 फीट बाय 7 फीट 10 इंच का एक छोटा सा किचन है, 11 फीट बाय 7 फीट 10 इंच का, मतलब 11 फीट बाय 8 फीट का। और इसे पीछे साइड में यहाँ पे एक डोर दिया है इस वॉश एरिया को यूज़ करने के लिए। ये 3 फीट 1 इंच का जो है वॉश एरिया दिया गया है, मतलब बर्तन वगैरह धोने के लिए यह जगह इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक छोटा सा गेट लगा सकते हैं, इस साइड से भी बाहर भी निकल सकते हैं। और एक विंडो यहाँ पे दिया है, यहाँ से इस किचन को वेंटिलेशन मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो इस साइड में भी एक छोटा सा विंडो लगा सकते हैं। उसके बाद में टॉयलेट बाथरूम समझ लेते हैं, क्योंकि लिविंग रूम से हम डायरेक्टली टॉयलेट बाथरूम यूज़ कर सकते हैं, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती। यहाँ पे हमने बाथरूम बताया है, यहाँ पे टॉयलेट बताया है। तो लिविंग रूम वाले हैं जो डायरेक्टली यहाँ से ये टॉयलेट बाथरूम यूज़ कर सकते हैं, किसी की भी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ठीक है। अब पहला बेडरूम समझ लेते हैं, यहीं पर हमारा एक बेडरूम है। पहला बेडरूम है 9 फीट 9 इंच बाय 9 फीट का, इस बेडरूम का साइज़ है, मतलब 9 फीट 9 इंच बाय 9 फीट का, ठीक है, काफ़ी बढ़िया साइज़ है। और एक विंडो यहाँ पर दिया है, इस वॉश एरिया से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। उसी के बाजू में हमारा सेकंड वाला बेडरूम है, इसका भी साइज़ है 9 फीट 9 इंच बाय 9 फीट का है, मतलब सेम साइज़ है। और इसे एक पीछे साइड में एक विंडो दिया है और एक डोर दिया है इस जगह को यूज़ करने के लिए। ये ओपन टू स्काई रखा है वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि इस साइड में हमारा प्लॉट नहीं है, इसलिए वेंटिलेशन के लिए हमें ओपन जगह छोड़ना पड़ती है, डक्ट छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये जगह जो है हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हमारा डोर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। और ये बेडरूम वाले भी टॉयलेट बाथरूम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती। ये जो बेडरूम वाले, ये बेडरूम वाले भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
और लास्ट में देखेंगे तो हमारा तीसरा बेडरूम है। हमारा इस बेडरूम का साइज़ जो है 9 फीट 9 इंच बाय 10 फीट का है, मतलब 9 फीट 9 इंच बाय 10 फीट का, मतलब 10.5 फीट बाय 10 फीट का, काफ़ी बढ़िया साइज़ है। और एक बड़ा सा विंडो यहाँ पे दिया है इस, क्योंकि इस साइड में हमने 3 फीट की जगह छोड़ी है। और यहाँ पे एक डोर भी दिया है इस जगह को यूज़ करने के लिए, जो इस साइड में जो जगह है ये इस बेडरूम से भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो देखभाल भी हम कर सकते हैं इस साइड से, ठीक है। तो ये बेडरूम वाले भी डायरेक्टली टॉयलेट बाथरूम यूज़ कर सकते हैं, इनको भी बहुत ही नज़दीक है। ये बेडरूम वाले भी इनको भी नज़दीक है, बेडरूम वाले ये है ये भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और किचन वाले भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, किसी की प्राइवेसी किसी की डिस्टर्ब नहीं होती है टॉयलेट बाथरूम यूज़ करना है तो। और लिविंग रूम वाले भी जो हॉल वाले भी है यहाँ पे, ये जो गेस्ट है हमारे डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, इनको भी किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर का फ्लोर जो है आप सेम रिपीट कर सकते हैं या तो आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप में ये 33 फीट बाय 30 फीट में, मतलब 990 स्क्वायर फुट में हमने ये पूरा प्लान बिठाया है, तो 1000 स्क्वायर फुट में ही आप समझ सकते हैं इसको। 3 BHK प्लान हमने बिठाया है, काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन प्लान है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद दिया है। अगर आपको भी ये प्लान पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, पसंद ना भी आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस प्लान से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है। और अगर आपको भी प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप फिर से हमारे नंबर नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।